गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो गया है और मेरी रूटीन भी शुरू हो गई। तो आज मैं ले रही हूँ ब्लैक किशमिश और अंजीर। तो मैंने सर्च किया था तो ब्लैक किशमिश और अंजीर बहुत अच्छी है इनफर्टिलिटी के लिए। अगर यूट्रस लाइन पतली है और यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा, या जैसे पेड़ू होता है ना, जैसे बोल सकते हैं ओवरी में पेन होना, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने ये सोक करके रखा है। तो सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ मलासना में बैठ के, फिर योगा करेंगे हम। तो ये सारे योगा है ना आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, थायराइड हो या इरेगुलर पीरियड हो, बच्चेदानी में गांठ हो, ट्यूब ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो एक्स वाई जेड, आपके लिए योगा बहुत अच्छा है। जैसे अलग कोई बीमारी होती है ना, जैसे डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गई, या मसल्स पेन हो गई, सर्वाइकल हो गया, तो उस चीज़ों में भी आप ये सारी योगा एक्सरसाइज कर सकते हो। ये मैं है ना थायराइड के लिए स्पेशली ऐसे स्ट्रेचिंग करना है आपको, है ना ऊपर की तरफ नेक को करके देखना, आप खुद देखो कि आपके नेक में ना खिंचाव होगा। तो ये योगा है ना जो मैंने स्टार्टिंग में किया थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और अब हम अपने डेली रूटीन में वापस आ जाएंगे। तो जितने योगा मैं डेली करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे आप खुद देखो मेरी बॉडी में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और मेरा बिलीव नहीं करोगे 1 किलो 200 ग्राम समथिंग वजन भी कम हो गया है ऐसी रूटीन से। और ये सब फॉलो करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं अपना पेट भर खाना भी खा रही हूँ और योगा बस कर रही हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही मैं। तो योगा से ही मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग भी अगर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो योगा कीजिए, कोई बीमारी है तो योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को है ना थोड़ा सा एक्सरसाइज या किसी चीज़ में ढालिए, वॉक कीजिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल चलाते चलाते अपने छत में है ना वॉक करिए। जैसे आप रील देख रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, कुछ भी, तो आप है ना शाम के टाइम वॉक करते जाइए और मोबाइल चलाइए। घर में किसी से बातें कर रहे हैं तो वॉक करते करते कीजिए, तो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। आप एक बार ऐसा करके देखो, सच में आप खुद आके कमेंट्स करोगे कि मैंने सही राय दी, कुछ गलत नहीं कहा है। पहले मुझे भी बहुत आलस आती थी, मुझे भी दिक्कत होती, मन नहीं करता था कि अरे यार कौन करे, तो बट ऐसा नहीं है। और कुछ लोग पतले होते तो सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो मैं बोल दूँ पतले लोगों को भी थायराइड होता है और मोटे लोगों को भी होता है। तो इस वजह से ना आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, मोटा और पतला ना देखें, थोड़ी देर खुद को दें, क्योंकि आपको अपनी फैमिली संभालना, बच्चे संभालना है, सब कुछ करना है। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि आप लोग डेली योगा करें। तो मैंने किया है बटरफ्लाई, फिर मैं कर रही हूँ चक्की चलाओ आसन। और मुझे पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा बैक में, जब मैं ये करती हूँ ना चक्की चलाओ आसन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, पैर में भी होता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि करना है तो करना है चाहे कुछ भी हो। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों को बता रही थी क्लॉक घूमना है फिर एंटी क्लॉक घूमना है, आराम आराम से, वीडियो की स्पीड बड़ी हो सकती है। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी आप एकदम आराम से करें और सांस लें छोड़ें तो आपकी हैबिट हो जाएगी। पहले मुझे भी अच्छा नहीं लगता था और मुझसे बनता भी नहीं था, ये लगता था कि किस तरीके से करना है, बट जब आप करने लगोगे ना तो फिर आने लगेगा। ये योगा पोजिशन जो जैसे आप बच्चे को खिलाते ना, सेम आपको अपने पैरों को ऐसे करना है, इससे मसल स्ट्रेच होगी और आपके यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा और आप इनफर्टिलिटी जो आपको प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। मुझे 7 साल हो गए हैं मैरिज को, अभी मुझे कंसीव नहीं हुआ है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था कि अब मैं है ना अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप लोगों से बोलना चाहूँगी आपकी मैरिज को कितना भी साल हो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप अपना ध्यान रखें, आप अपने लिए डेली रूटीन में फॉलो करें। जो फैमिली की जॉइंट फैमिली में रहता है ना, मुझे पता है उसको टाइम नहीं मिल पाता है, बट आप मॉर्निंग में अगर 5 बजे उठते हो तो 15 मिनट पहले उठ जाओ, अपना रूटीन फॉलो करो, ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि तानों की बातों से अच्छा है ना कि हम अपने लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के कुछ ना कुछ करें। तो मैं बोलना चाहूँगी आप डेली करो एक्सरसाइज योगा, ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा। और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो, कुछ दिन के लिए आप बाहर का जंक फूड खाना बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट को सबसे पहले है ना आइडियल वेट में लेके आओ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ओवर वेट होंगे ना तो आप कंसीव नहीं कर पाओगे, उससे आपको थायराइड भी हो सकता है, डायबिटीज़ भी हो सकती है, PCOD हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस वजह से सबसे पहले आप अपने आइडियल वेट
में आओ। अगर आपका वेट नॉर्मल है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही, ट्यूब ब्लॉकेज है, तो आप है ना पीरियड के 7वें दिन से लेके ओब्लूशन तक फर्टिलिटी मसाज करो हल्के हल्के हाथों से। और वो हॉट बैग होता है ना, वो आप ले लो, उससे आप ट्यूब की सिकाई करो। पेट में सिकाई करते हैं तो उससे आपकी ट्यूब अनब्लॉक हो जाएगी। दालचीनी का पानी पियो मॉर्निंग में, और 7वें दिन से 15वें दिन तक आप लौंग वाटर पियो। तो आप लोग बोलना, मैं धीरे धीरे अपने रूटीन के हिसाब से आप लोगों को सारा कुछ शेयर करती जाऊंगी। और मैं ये ब्लैक किशमिश और अंजीर का पानी अब डेली पीऊँगी। पहले मुझे लगता था अंजीर से लोग मोटे होते हैं, बट जब मैंने सर्च किया गूगल वगैरह में तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज की वीडियो कुछ खास भी है, आप लोग आगे देखना। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करें। पता है ये योगा में है ना, मेरे एक पैर है ना अच्छे बैलेंस में नहीं हो पाता, तो मुझे डर लगती कि मैं गिर नहीं जाऊँ। तो आप लोग खुद देखो, मैंने कट नहीं किया, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो अगर आप करोगे तो जरूर होगा, तो आप डेली कोशिश करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं है ना सारी योगा करके फ्री हुई हूँ, पसीने आ रहे हैं देखो आप लोग। और योगा करने से पहले मैंने है ना दालचीनी और जिंजर का पानी पिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना जो मैंने रात में खुलाया था ब्लैक किशमिश और अंजीर, क्योंकि अभी भी मैं खाली पेट हूँ, तो उसका पानी पीऊँगी। फिर उस थोड़ी देर काम करने के बाद फिर हम खाएंगे ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए ब्लैक चने होते हैं ना वो, क्योंकि डे बाई डे चेंज करके खाना है। और सच में देखो इस टाइम पिंपल्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि जैसे आप योगा एक्सरसाइज करते हो ना, हार्मोन चेंज होते हैं तो थोड़ा इफेक्ट होता है बॉडी में। तो आज मेरे दूसरी बार पसीना आया है, क्योंकि मैंने है ना जितने योगा बनते हैं उससे मैंने सारे अच्छे से एकदम आराम से किए हैं। और आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, आप लोग भी योगा एक्सरसाइज है ना बहुत आराम से करें, हड़बड़ा के जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, उससे आपको है ना प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम पी लेते हैं, फिर आप समझते हैं। गाइस ये है ब्लैक किशमिश और अंजीर का पानी। सिर्फ मैं पानी पीऊँगी, अभी खाऊँगी नहीं, मैं खाऊँगी 11 बजे तक इसको। ये मेरा मिड मॉर्निंग भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। पता है मेरा पूरा काम हो गया और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। सिर्फ मैं चना खाऊंगी, चाय वगैरह कुछ नहीं लेंगे। तो मैंने ब्लैक चना बनाया है, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ करके एकदम फ्री हो गई। अब जाऊंगी ऊपर कमरे में ब्रेकफास्ट करने के बाद, थोड़ा स्टैंड वगैरह साफ़ करना तो वो करेंगे। तो आप लोगों को मैं ना दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो गाइस ये देखो, आज ब्रेकफास्ट में चना और मेरा घर पूरा साफ हो गया, किचन भी हो गया, ये भी हो गया पूरा सब कुछ क्लीन। ये है मेरा ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड आज मैं आप लोगों के साथ डिटॉक्स वाटर या एल्कलाइन वाटर, आप जो चाहो बोल सकते हो, तो वो उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आप कांच का जार ले लो, जग ले लो, या तो फिर बोतल ले लो। इसको कांच के बर्तन में बनाया जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है हाफ़ ककुम्बर, सॉरी एक ककुम्बर लिया था मैंने मीडियम साइज का, हाफ मैंने डाला है इसमें बीट रूट, और एक थम के जितना इसमें मैं डाल दूँगी जिंजर ग्रेट करके। तो आप सेम इसी तरह से बनाएं, और इसको बनाने के 2 घंटे बाद इसको पीना है। सच में बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और मैं इसमें नींबू के 2 स्लाइस डालूंगी, क्योंकि पता है ऐसे डाल दो ना मुझे कड़वा सा लगता है, इस कारण से है ना मैं सिर्फ 2 स्लाइस डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और इसमें मैं चिया सीड्स भी डालूंगी, आप चिया सीड्स डाल दो या फिर वेसल सीड्स भी डाल दो। तो मैं ये सारी चीज़ें डालूंगी। तो ये देखो ये मेरे पास बहुत दिन से रखी थी चिया सीड्स, तो ये डाल देंगे। और मैंने मंगाया भी है
तो वो तो इसको हम ऐसे ही रख देंगे। इसमें थोड़ा और पानी मिला दूंगी जो कि ये बॉटल फुल हो जाए। तो देखो आप, बीट रूट का कलर मतलब अभी से आने लगा है और ये रेड कलर का हो जाएगा, बहुत टेस्टी लगता है। आप अजवाइन का भी बना सकते हो, जीरा का भी बना सकते हो, और सॉरी इसमें मैंने दालचीनी भी डाली थी एक टुकड़ा। तो इसको मैं रख के अब जा रही हूँ, काम करूँगी ऊपर कमरे में जब तक ये मेरा 2 घंटे में रेडी हो जाएगा, फिर हम इसको पियेंगे बाद में थोड़ी देर। गाइस देखो, मैं है ना अल्कलाइन वाटर या डिटॉक्स वाटर, अब जो चाहो वो बोल सकते थे, मैंने बना लिया है। इसको मैं पीऊँगी 2 घंटे बाद, यानी 11 बजे से पीने लगूँगी। और ये है ना कांच की बोतल में ही बनाना चाहिए। इसमें मैंने डाला चिया सीड, जिंजर, कुकुम्बर, लेमन, दालचीनी, सारी चीज़ें डाल के बनाएंगे। इसको रख देंगे जब तक ये अच्छे से डिटॉक्स हो जाए, फिर पियेंगे। तो फ्रेंड, मैं ऊपर कमरे में आ गई थी सावर लेके, और हमारे कमरे में ना धूप आती, तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठते हैं, और हेयर वॉश की थी तो मैं हेयर को सुखाने के लिए बैठी हूँ। और आपको बता दूँ, विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है। आप मॉर्निंग में उठ के ना धूप ज़रूर लिया करें। आपके छत में चले जाओ, छत में बैठ के आराम से धूप लो 10 से 15 मिनट। तो ये धूप है ना, जैसे आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है उसके लिए बहुत अच्छी होती है, आप सर्च करना। हमारे यहाँ ना धूप आती है, वहीं धूप में बैठी हूँ मैं। जी अब मैं जा रही हूँ इसको पीने, क्योंकि मुझे प्यास भी लग रही है। मैंने 1 लीटर पानी पी लिया है, अब ये 2nd लीटर है। इसको पीते हैं, देखो इसका कलर देखो आप। तो फ्रेंड, मॉर्निंग में मैं है ना इसका पानी पी थी, और अभी 1:15 हो चुके हैं, मुझे भूख लग रही, तो मैंने सोचा इसको खा लेती हूँ, और जब तक खाना बन रहा फिर खाना खाएंगे, क्योंकि मुझे 12 बजे करीब भूख नहीं लगी थी। मैंने पानी पी लिया था अल्कलाइन वाटर अच्छा, तो मैंने मॉर्निंग से अभी तक 2 लीटर पानी पी लिया। अब जा रही इसको खाऊंगी, और मुझे पूरा 3.5 लीटर पानी का पीना है। तो इसको खाने के बाद फिर थोड़ी देर से मैं खाना खाऊंगी। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, फिर ये नहीं होना कि मैंने खाया है कि नहीं खाया इस वजह से। आज के डिनर में मैंने बनाया है सोयाबीन का वेज पुलाव, में मैंने ग्रीन मटर डाले फॉरेजन वाले, और सोयाबीन डाली, ग्रीन चटनी है, कुकुम्बर है सैलेड में, और बीट रूट है। तो आज का मेरा लंच यही है। आ जाओ आप सभी भी लंच कर लो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी है ना 7:30 होने वाले हैं, 7:15 है, और मैं डिनर में बनाई हूँ ओट्स, तो वही मैं खाने जा रही हूँ। इसमें मैंने है ना एप्पल और अनार डाला है, और ये 1 गिलास ही बचा अल्कलाइन वाटर, तो ये भी पियेंगे और ये खाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है डिनर। ओट्स में मैंने पहले पानी डाल के फिर दूध डाल के पकाया है। इसमें डाली हूँ पीनट बटर, और आज बनाना नहीं था तो मैंने सेव और थोड़ी सी अनार रखे थे तो वो ले लिए हैं, तो बस यही खाएंगे। ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताना। अभी ग्रीन टी बन रही, मैं ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। मैं जल्दी इस टाइम में ना अच्छी नींद ले रही हूँ, तो आप लोगों से बोलना चाहूँगी रात को डिनर करने के बाद भी ग्रीन टी पिए और लंच करने के बाद भी पिए। तो ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।